वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें पिछली वीडियो के अंदर हमने कैप की एडिशन को पढ़ा अब हम पढ़ेंगे टेल की एडिशन को थ्री पॉली ए टेल से मुराद ये होता है कि मैसेंजर आ के थर्ड एंड पे हमने टेल की एडिशन करवानी है ठीक है पोली एयरटेल uh, का मतलब है कि एडीनिलेशन पोली ए का मतलब है कि यहाँ पे एडीनिशन सीक्वेंस होता है मैं चिंजर आडी के ऊपर स्पेसिफिक उसको कहते हैं पोली एडीनिलेशन सिग्नल सीक्वेंस ठीक है उस पर हमने टेल की एडिशन करवानी है अभी जो टेल होती है ना ये डीएनए से ट्रांसक्राइब नहीं होती है ऐसा नहीं है इसके ट्रांसक्रिप्शन हुई डीएनए एन मदद से मध्य पोली टेल की ओरिया के ऐड हो गई बल्कि ये एक न्यूक्लियर एंजाइम होता है उसका नाम होता है पोली एडीनिलेट पोलीमरेज वो एटीपी का इस्तेमाल करते हुए ऐड होती है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा अब हम इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि मैसेंजर आने के थर्ड एंड पे 40 से 250 के करीब एडेनिलेट यानी एडोनिस मोनोफॉस्फेट्स होते हैं उनकी चेन होती है उनकी एक लंबी सी चेन होती है तो वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? तो वहां पे हमने इस स्टील को ऐड करवाना है एंजाइम है पोली एडेनिट पोली ठीक है अभी जो नजर सही आ रहा होगा आपको थोड़ा सा जूम कर तो ठीक है अब जो प्री मैसेंजर आने है ना होता क्या है कि जो प्री मैसेंजर आने सबसे सब पहले क्लीवेज होती है अभी पहले बताया जब किसी चीज को ऐड करवाना होता है तो किसी चीज को रिमूव भी तो करवाया जाता है ना तो हमने रिमूव करवाना है एक सीक्वेंस को थोड़ा सा कंसेसर सीक्वेंस का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला सीक्वेंस उसको कहते हैं पोली एड सिग्नल सीक्वेंस यानी इसके अंदर बहुत से एड बेसिस दिखेंगी और ये थर्ड एंड ऑफ यू आर के करीब प्रेजेंट होता है अब पोलियर टेल हमने थर्ड एंड पे ऐड करवा रही है और इस टेल को ऐड क्यों करवाया जाता जा है वही मकसद स्टेबलाइज करवाना है मैसेज आर को ताकि ये न्यूक्लियस से आराम से एग्जिट हो सके वरना होता क्या है कि कुछ न्यूक्स होते हैं वो आके अटैक कर देते हैं इन प्री मैसेंजर आर के ऊपर और उसको डिग्रेड कर देते हैं अब हमने उनसे बचने के लिए ट्रांसलेशन में आसानी हो उन तमाम के लिए टेल की एडिशन करवा रहे हैं उसके बाद आराम से जो है ना वो साइटोसोल जो है में एंटर हो सकता है ये मैसेंजर आर और पोलियो टेल फिर आस्ता आहस्ता शॉर्ट होती रहती है जब भी साइटोसोल के अंदर एंटर होते हैं जबकि क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहती इसकी जरूरत सिर्फ ये होता है कि अपने डिजायर गोल तक पहुंचा दे हमें साइटोसोल के अंदर उस जगह तक पहुंचा दे जहां पर ये प्रोटीन की सरसिस हो रही है देन है स्पाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्पाइसिंग का मतलब ये होता है कि हमने कुछ चीज़ों को ना तोड़ देना ठीक है ना और कुछ चीज़ों को बखिया चीज़ों को ऐड करवा देना मतलब क्या स्लाइस करने हैं मतलब एक चीज़ है ना ये पेन है मिसाल के तौर पे तो हमने इसके इस ये एंड है ये हमें मदद नहीं दे रहा मतलब इसका कोई रोल नहीं है ठीक है ना मतलब चलिए सॉरी इसका रोल है इसका ये जो ब्लू वाली जगह इसका रोल नहीं है फिर इसका रोल दोबारा से मतलब इस ब्लू वाली जगह का रोल नहीं है अब इस ब्लू वाली जगह को क्या करना है यहाँ से कट करना है यहाँ से कट करना है इसको निकाल देना है और ये बकिया जो दो जगह मिली इनको जोड़ देना है समझ आई सिंपल सा मैकेनिज्म है इसकी ज़रूरत है इसकी भी ज़रूरत है प्रोटीन बनाने के लिए लेकिन इसकी ज़रूरत प्रोटीन बनाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सिक्वेंस आई है हमें कोई मदद ही नहीं देता ये हमें ज़रा भी क्लू नहीं देता कि क्या, कौन सी प्रोटीन बनी चाहिए कौन से सी मानोसिट सीवेंस ऐड होने चाहिए ये दोनों जो है वो दे रहे हैं तो हम कहेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है इसको निकालो अब इसको निकालने के लिए है एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना तो वो सारा मैकेनिज्म हमने पड़ना है स्पाइसिंग की मदद से ठीक है और जो मालिकुलर कम्पलेक्स तमाम प्रोसेस को करवा रहा होता है उसको स्पाइसी और सोम कहते हैं ठीक है ये जो चीज़ जगह है ब्लू वाली जगह इसको इंट्रॉन कहते हैं

तब मैं चोरोगा जब ये हमारे पास स्पाइसी हो जाएगी ये हो जाएगी ना जुड़ जाएंगे उसके बाद ये मेच्योर मैसेंजर आने बनेगा अभी ये प्री मैसेंजर आरन है तो इसको हमने क्या करना है इंड्रोन को रिमूव करना है एक्स को ऐड करना है इस तमाम प्रोसेस को स्पाइसिंग कहते हैं और जो कि मोलिकुलर कम्प्लेक्सार्स को एक्म्बलिश करता है अभी बताया स्पाइसियो सोम कहते हैं उसे ठीक है अब हमने रोल पढ़ना है स्मॉल न्यूक्लियर आर का इस तमाम प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है स्मॉल न्यूक्लियर आर क्या होता है कि ये यूरसल रिच होता है मतलब इसके अंदर आपने इसका एब्रीवेशन याद करना है एस एनआर रिच होता है मतलब इसके अंदर यूरेसल बहुत ज्यादा आपको मिलेगी अब ये यूरेसल रिच होता है और ये तमाम पांच तरह की प्रोटीन बनाता है उसका नाम होता है यू वन यू मतलब ये सीक्वेंस यूरेसल रीच है ना तो ये पांच तरह की राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बनाएगा स्नर्प कहते हैं इनको दोबारा तो से बता रही हूँ ये लिखा हुआ कि फाइव स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बनाएगा इसको हम स्नर्प कहते हैं आप स्नर्प मतलब आप कह सकते हैं इसका एब्रीविएशन आई है जो इतनी यू वन यू टू यू फोर यू फाइव यू सिक्स का एब्रिवेशन स्नर्प है अब यू वन यू टू यू फोर में आपने यू थ्री नहीं याद करना बाकी यू वन यू टू यू फोर यू फाइव यू सिक्स वन सही है यू थ्री नहीं है बस इसमें ठीक है जो स्पाइसिंग करवाएंगे स्पाइसिंग करवाने के लिए स्मॉल न्यूक्लियर आने का बहुत रोल है और ये पांच तरह की राइबोन्यूक्लियोर प्रोटीन पार्टिकल्स बनाता है जिसको हम स्नर्प कहते हैं जो होती है यू वन यू टू यू फोर यू फाइव यू सिक्स ठीक है होता क्या है कि ये इंट्रोन्स रिमूवल करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कैसे करती हैं जो इंट्रोन्स के एंड पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं उनके साथ बेस पेयर्स बना लेती हैं जैसे ही बेस पेयर्स बनते हैं उनको वहां से रिमूव करवा लिया मतलब पहले दोस्ती करेंगी बेसपेयर बना लेंगी दोस्ती करने के बाद उनको वहां से ले जाएंगी मतलब तुम्हारी तो जरूरत नहीं है चलो हमारे साथ आ जाओ तो ये इस तरह से ये, ये मतलब थोड़ा सा वो करती हैं दोस्ती करके ले जाती हैं अब ये जो सारा प्रोसीजर यहाँ पे कम्प्लेक्स दिखा हुआ है तो क्यों हम चीज कम्प्लेक्स से याद करें हम साइड से याद कर लेते हैं साइड पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाया अगर पेपर के अंदर भी डायग्राम की मदद मतलब से ये सी ये सीक्वेंस लिख देंगे मतलब बॉक्स जो बातें लिखी हुई हैं तो दैट इज इनफ मोर देन देफ अब हमारे पास होता क्या है कि ये मे, प्री मैसेंजर आरनी प्री मैसेंजर आरनी के पास एग्जॉन्स भी प्रेजेंट है इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है इंट्रॉन्स को रिमूव करना है ये जो ऑरेंज वाला रीजन है इसको रिमूव करना है और जो ये ब्लू वाला रीजन है इसको हमने जोड़ देना बकिया को तो होगा क्या कि ये बीच ये जो हमारे पास इंट्रोन है ना इसके पास एक ब्रांच साइट होती है एडिनिन लगा हुआ है जिस पे एडिनिन बेस लगी हुई एक ब्रांच साइट होती है और इसकी दो वो साथ, तीन साइट्स होती हैं इसके ऊपर इंट्रोन के ऊपर एक ब्रांच साइट है और एक है फाइव स्प्लाइस डोनर साइट और एक है थ्री स्पाइस एक्सेप्टर साइट नाम याद कर लें एक ब्रांच साइट है एक फाइव स्प्राइस डोनर साइट है एक थ्री स्पाइस एक्सेप्टर साइट है ठीक है ये तीन चीज़ें इंट्रोन के ऊपर हैं और एक्जोन वन और एक्जोन टू है ये फाइव ये थ्री एंड है फाइव एंड की तरफ जो आ, इंट्रोन की साइड है उसको फाइव स्पाइस ड्रोनो साइड कहेंगे और थर्ड एंड पर जो इंट्रोन की साइड है उसको थर्ड स्पाइस एक्सेप्टर साइड कहेंगे और एक बीच में ब्रांच साइड है अब होगा क्या अभी बताया स्पाइसिंग करने में इंपॉर्टेंट किरदार होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरने का तो एस एनआरपी का एस एनआरपी आएगा अपने तमाम ये पांच राइबोन्यूक्र प्रोटीन पार्टिकल्स के साथ आएगा ए को इस्तेमाल करेगा लेकिन जैसे ही ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से बाइंड करेगा ना यू वन यू फोर छोड़ जाएंगे यू वन यू फोर का कोई काम ही नहीं है यू वन यू फोर जब छोड़ के जाएंगे ना तो ये यू वन यू फोर छोड़ के मतलब ये प्रोसेस इस तरह से है कि जब ये लीव करते हैं तो ये बकिया जितने भी प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं स्पाइसिसो में एक्टिवेट करवाने में कह सकते हैं इनकी रोल होता है ठीक है स्पाइसिसो में एक्टिवेट हो गया स्पाइसिसो में एक्टिवेट हो गया अब होता क्या है कि जो ब्रांच साइट ए है ना इंट्रोन के ऊपर जो होती है वो इंट्रोन की स्प्लाइस डोनर साइट के साथ ब्रांचिंग कर लेती है उस पर अटैक कर लेती है मतलब होता क्या है ये सारा प्रोसेस हो गया रहा है कि इंट्रोन की ना ये वाली जो साइट है स्प्लाइस डोनर साइट स्पाइस डोनर साइट और ब्रांच साइट ये दोनों आपस में अटैच हो गई हैं इसने ब्रांच साइट ए के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने टू ओ ग्रुप ने जो स्पाइस डोनर साइट है उसके फाइव फोस्फेट ग्रुप पे अटैक कर दिया है जब अटैक कर दिया है और टू फाइव फोर्सो डाइस्टर बोन्ड बना दिया है ये देखें यहाँ पे अटैक करके ये बॉन्ड बना दिया मतलब इनके आपस में ही हम कह सकते हैं थोड़ी सी लड़ाई हो गई है अटैक हो गया और फो टू फाइव फोर्सो बोन्ड बन गया है और एक फोर्सफोडास्टर बोन्ड बन गया इस तरह से ये एक लूप बन जाएगा ठीक है ना क्योंकि ये यहाँ पर बोन्ड बन गया अब नेक्स्ट पे होगा क्या है कि जो एक्जोन वन है ये देखें ये आपस में लू बना के अलग हो रहे हैं ये अलग जा रहे हैं बस जा रहे हैं अब अबेक्न वन ने का एक्जोन टू से अबेक्न वन ने क्या किया एक्जोन वन ने जो, आग जो आग ये ड्रोन की स्पाइस एक्सेप्टर साइड थी फाइव फोर्ट वाली उस पर अटैक कर दिया एक्जोन वन के थर्ड ओवेज ग्रुप ने इस पे अटैक कर दिया अब जैसे ही इस पे अटैक हुआ ना मतलब इस पे इस अटैक के ये बिल्कुल ही अलग हो गए ठीक है ना ये बिल्कुल ही अलग हो गए पहले इसने इस इसप पहले से उस पर क्या हुआ अटैक हुआ ब्रांच साइड ए का इंट्रोन की स्पाइस ड्रोनो साइड के ऊपर ठीक है अटैक हो गया एक लूप बन गया और ये जाने जा ही रहे थे बस जा ही रहे थे तो ये हमारे पास पीछे इसकी एक स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड भी थी एक्जोन वन के थर्ड हो ग्रुप ने इस साइड पर भी अटैक कर दिया और ये मजीद हमेशा के लिए अलग हो गए बिल्कुल चले गए अब ये बिल्कुल चले गए और इस ये जो पूरा का पूरा इंट्रोन एक्साइज हो जाता है उसको हम लैरीएट कहते हैं क्या कहते हैं लेरीट कहते हैं अब जो बाकी एग्जोन एक्जोन टू था ये आपस में दोस्ती कर लेंगे मतलब या आपस में दोस्ती कर लेंगे और फिर जो है ना फोस्फोडाइस्ट्राम बनेगा इनके दरमिया और जो है एक्जोन वन और एक्जोन टू जुड़ जाएंगे और इंट्रोन चला जाएगा एक्साइज इंट्रोन वेरिएट कहते हैं इसको तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से होता है और ये बहुत ही इजीली याद हो गया स्पाइसिंग ऐसे हो जाती है आपने इसमें बल सा इसे डायग्रामेटिकली इस याद कर लेना है होता क्या है क्योंकि कुछ प्री मैसेंजर आने मालिक है उसमें डिफ्रेंट वे में स्पाइसड होते हैं मतलब उनके इंट्रोन मुख्तु जगहों से जो है ना ऐसा नहीं है कि उनकी स्पाइसिंग अल्टरनेट वेज में होती है डिफरेंट इशूज में अल्टरनेट वेज में होती है इसलिए हम मोस्टली प्रोटीन के प्रोडक्ट्स बनते हैं मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ तो मैसेंजर आरएनए बनी बड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात कि मैसेंजर आरएनए आने तरह के बनते हैं इसी तरीके से तो प्रोटीन प्रोडक्ट भी डिफर करता है उनकी अल्टरनेटेट स्पाइसिंग की वजह से तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नेक्स्ट वीडियोज के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स को हम डिस्कस करें